इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे, मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासी कौन होते हैं? जो उस जगह पर सदियों से रहते आए हैं वो मूल निवासी होते हैं, तो उनको हटाया जाना उसको बोलते हैं विस्थापन। तो मूल निवासियों को कैसे हटाया गया था इसके बारे में जानेंगे। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास की कुछ पहलू हमें यहाँ पर पेश किया गया है। और विषय 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी है। 9वें में भी हम बहुत कुछ पढ़े हैं, इंग्लैंड के बारे में पढ़े, पूरा इंग्लैंड के बारे में पढ़ लिए हैं। 18वीं सदी से दक्षिण अमेरिका के और भी हिस्से में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे थे। बाहर से आने वाले लोग, यूरोप से आने वाले लोग सब अमेरिका में बसने लगे थे, और इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। वहां से आए बस गए, वहां के मूल निवासियों को ही भगा दिया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी मतलब उपनिवेश कहा जाता था। जो भी लोग आते थे वो लोग क्या बोलते थे? कॉलोनी। बस्ती को कॉलोनी के नाम से जाना जाने लगा। तो समझो कि आज भी कहीं पर लोग बसते हैं तो उसको बोला जाता है ये कॉलोनी, वो कॉलोनी, उसका नाम रखकर आप भी जो भी कॉलोनी का नाम ले लो कि इस कॉलोनी में तो ये हुआ, उस कॉलोनी में तो ये हुआ। तो जहां पर कॉलोनी शब्द का इस्तेमाल हुआ, समझ लेना कि वो बाहरी बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग आके यहाँ पर बस गए हैं। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए, तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया था। राज्य या देश का दर्जा उनको मिल गया था। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे थे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं, बहुत ज्यादा हैं। यूरोपीय लोग और एशियाई लोग अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उसके अलावा होगा कौन उधर बसने के लिए। अमेरिका की जनसंख्या कितनी थी? उतनी सुत थी, लेकिन यहाँ के लोग, एशिया के लोग, यूरोप के लोग जाकर पूरा भीड़ लगा दिए, और वहां के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं, और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा इन्हीं के कब्जे में था, क्योंकि अब तो दूसरे जाति के लोग, दूसरे देश के लोग आकर वहां बस गए हैं। और यह भी कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम से देसी नामों से बने हैं, जिसमें से यहाँ पर देखिए कुछ देसी नाम दिए गए हैं। मसलन यहाँ पर चल लिया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी, और आगे है एस्टल। कनाडा में चले जाओ तो आप सकाचेवान, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो वालांगगांस, और एक और है परामता। ये सब वहां पर जगह आपको देखने को मिलेंगे जहां पर वहां के मूल निवासी बहुत कम रहते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरीके से यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, और उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता होगा। और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के इतिहास के पुस्तकों में वहाँ के मूल निवासियों के बारे में शायद ही चर्चा होती होगी, ये माना जाता है, सिवाय यह बताने के लिए कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्वक था। केवल ये इतिहास की किताब में बताया जाता है कि यूरोप से आए वाले जितने भी लोग थे उनके प्रति जो रवैया था एक दुश्मनी का था वहां के मूल निवासियों का, मूल निवासियों के साथ। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों ने, जितने भी लोग थे तो मनोवैज्ञानिकों ने उन पर अध्ययन प्रारंभ किया, शुरुआत किया, और बहुत बाद 1960 के दशक से इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने का बयान, मतलब लिखने का यहाँ पर बयान करने के लिए प्रेरित किया कि भैया आप लिख कर चाहे मौखिक रूप से आप अपने इतिहास को बता सकते हैं।
आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है, सब कोई पढ़ सकता है। इन देशों में जाने वाले लोग वहां के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घाएं तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। सब जगह पर जाकर पर्यटक के लोग जाकर घूम सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देख रेख में बन रहा था और ऐसे ही चल रहा था। क्या बन रहा था? अमेरिकी इंडियनों की देख रेख में ये सब बन रहा था। अमेरिका के लोग और इंडियन के लोग वहां पर, इंडिया के लोग जाकर मिल बांट कर काम करवा रहे थे। अब देखते हैं यहाँ पर यूरोपीय साम्राज्यवाद। जब अमेरिका की ही बात कर लेते हैं, यूरोप की ही बात कर लेते हैं, तो यूरोपीय साम्राज्यवाद के बारे में देखो कि यूरोप के साम्राज्य से लोग कैसे कैसे भाग कर इधर उधर भागने लगे, बसने लगे थे। कुछ ना कुछ तो ऐसा कांड हुआ होगा जिसके वजह से इतना बड़ा बड़ा केस हो गया। तो यूरोपीय समाजवाद जिसमें स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य, देखिए विषय 8 में हम सब जानते ही हैं कि 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। अब तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपने व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया था। किधर के लोग? यूरोप के लोग, इंग्लैंड के लोग, हॉलैंड के लोग, फ्रांस के लोग सब जाकर अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में बसने लगे थे धीरे धीरे। आयरलैंड भी कमोवेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था। समझा जाए तो इंग्लैंड से थोड़ा ही कम बगल में ही आयरलैंड को समझ सकते हैं कि एकदम उपनिवेश था, कि भैया जितना आप करोगे कम ही करेंगे लेकिन करेंगे हम भी। क्योंकि वहां बसे हुए ज्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। वो सब आयरलैंड से आकर यहाँ पर, सॉरी, इंग्लैंड से आकर आयरलैंड में बस गए, आयरलैंड से जाकर इंग्लैंड में बस गए। और सबसे ज्यादा आयरलैंड से जाकर इंग्लैंड में बसने वाले लोग की ही संख्या ज्यादा है, क्योंकि जहां पर शहर होगी वहां पर ही लोग बसेंगे। आज भी लोगों को अच्छा घर दिखता है तो वहां पर जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना, बस वही कहानी है। 18वीं सदी से यह बहुत साफ साफ दिखने लगा है कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यह उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया। साफ साफ बताया जाता है कि 18वीं सदी से यहाँ साफ साफ दिखने लगा है कि मुनाफे की संभावना, आशा है कि यहाँ पर रोजगार करेंगे तो मुनाफा होगा। इसी मुनाफे के संभावना के कारण वहां पर लोग बसने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि नियंत्रण करने के लिए, उस सब पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, अधिनियम पास किए गए थे। आगे बताया जाता है कि दक्षिण एशिया में, अपनी एशिया की बात चल रही है, तो दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया था। व्यापारिक कंपनियों ने अपने आप को राजनीतिक सत्ता का रूप दे दिया और स्थानीय शासकों को हरा दिया, ठीक है, और अपने इलाके का विस्तार किया बहुत ज्यादा। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा। पुराना ही सही, जो सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था थी उसको ही जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे, हर लोगों से कर को, टैक्स को लेते रहे। और बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण करवाया और खदाने खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। अब सब चीज अपने हाथ में लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भैया, अपने साम्राज्य को पूरा रखने करने के लिए, अपने साम्राज्य को जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ दिया जाए तो शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्र तटों पर ही व्यापार करते हैं। चारों तरफ समुद्र तट के पास ही वो लोग व्यापार करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर रहे थे। और इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्क, यूरोप में जितने मुल्क आते हैं उनके बीच में अपने उपनिवेशों के
रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ कि अफ्रीका का बंटवारा होगा। तो अफ्रीका में बहुत सारे देश बने कि नहीं बने बंटवारा के बाद? तो बात यही हो जाती है कि बंटवारा हुआ बॉर्डर का, कितना बॉर्डर, कितना, कौन से देश का रहेगा, कौन से इलाके का रहेगा। सेल्टर, सेल्टर को यहाँ बोला जा रहा है ब्रैकेट में आबादकार, सेल्टर का ले लेते हैं आबादकार। सेल्टर शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशों के लिए, अमेरिका में, ओ सॉरी, यहां से आपको थोड़ा अलग तरीके से बताना है। सेल्टर दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशों के लिए है, और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। सेल्टर मतलब दूसरे जगह से आकर बस जाने वाला इंसान, मानस, मनुष्य, जानवर। इन उपनिवेशों की राज्य भाषा अंग्रेजी थी, जो भी आकर बसे थे उनका राज्य भाषा अंग्रेजी था। और कनाडा को छोड़कर देखा जाए तो यहाँ फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है, कनाडा को छोड़ दिया जाए तो फ्रांसीसी भी एक राज्य भाषा के रूप में अमेरिका में बोला जा सकता है। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम, यहाँ पर दिया जा रहा है अमेरिका, पहली बार अमेरिगो वेस्पुरी, सॉरी पुकी, अमेरिको अमेरिगो वेस्पुकी, पुकी 1451 से लेकर 1512 का यात्रा वृत्तांत छापने के बाद प्रयुक्त हुआ था। कनाडा, कनाडा से निकला शब्द पंद्रह से सॉरी कनाटा से निकला है कनाडा, ठीक है। तो 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक ह्यूरो इक्वेसिस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव, कनाडा एक गांव था, अब वो देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, महान दक्षिणी महासागर में, ऑस्ट्रेलिया का मतलब आप समझ सकते हो कि चारों तरफ से महासागर, तो ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिणी महासागरों में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम। लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते थे, और उसी दक्षिण को ऑस्ट्रल, ऑस्ट्रल से ऑस्ट्रेलिया हो गया वहां के लोगों के अनुसार। और ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी ही पानी है, आप देख सकते हो कि केवल पानी ही पानी है। ऐसे देखा जाए तो उसका पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सब पड़ता ही है, अच्छा है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड का। तो हॉलैंड के तापमान द्वारा, सॉरी हॉलैंड के तस्मान, तस्मान क्या होता है, तस्मान द्वारा दिया गया नाम, तस्मान किसी का नाम होगा, उसके द्वारा दिया गया नाम है, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं, इसीलिए नया का न्यू, और वहां पर समुद्र को जी बोलते थे, न्यू जी, आज जगह का हो गया मिट्टी, इसलिए लैंड, न्यू नया, जी मतलब समुद्र, लैंड मतलब मिट्टी, न्यू जी लैंड हो गया, नया देश का नामकरण कर दिया गया। ये जियोग्राफी डिक्शनरी में ये लिखा गया, पृष्ठ संख्या 805 से लेकर 822 के बीच में आपको मिलेगा। उसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होती है, इसीलिए हर चीज में न्यू 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 तो हमेशा रहेगा। अब शुरुआत होता है उत्तरी अमेरिका, तो अमेरिका चलिए जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका का महान उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक, और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। और पथरीले पहाड़ियों की श्रृंखला के पश्चिम में, पथरीले पहाड़ियों की श्रृंखला को पार करके पश्चिम में जाओगे तो अरिजोन और नोवाडा के मरुभूमि आपको वहां पर मिलेगी, मतलब रेगिस्तान मिलेगा। और थोड़ा और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत भी है, वहां पर सियरा नेवाडा पर्वत भी आपको देखने को मिलेगा। पूरब में ग्रेट विस्तृत पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके भी हैं, और ग्रेट झीलें भी हैं, और मिसी
सीपी, मिसिसिपी और ओहियो, और उसके आगे जाने के बाद अपलाचिया की घाटियां भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। पहाड़ी श्रृंखला है, पहाड़ी इलाका है, आपको बहुत मजा आएगा जाकर घूमने में उधर। रेगिस्तानी वाला भी पहाड़ी इलाका मिल जाएगा आपको। दक्षिण दिशा में जाओगे तो आपको मैक्सिको है, दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका, कनाडा का 40% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग वहां पर हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। और मत्स्य उद्योग वहां का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, वहां पर मछली पालन करने का, मछली पानी वाले जानवरों का, पानी वाले जितने भी प्रकार के जीव होते हैं उनका वहां पर उद्योग है, फैक्ट्रियां है, उसमें उनको पाला जाता है, एक महत्वपूर्ण। लेकिन यहाँ पर मत्स्य है तो केवल मछली पालन वो लोग बहुत ज्यादा करते हैं। खनन उद्योग और बड़े पैमाने के खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले, यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे, लेकिन जी नहीं रहे थे जिस तरह स्टैंडर्ड लाइफ जिया जाता है। अब आता है मूल निवासी। मूल निवासी कौन? जो वहां के रहने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्टेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? एशिया से आए थे। भूमि सेतु मतलब भूमि पहले जुड़ा हुआ था ना, तो उसी के रास्ते वहां पर वो लोग फैल गए थे। ठीक है, पहले जमीन के अलावा दूसरा रास्ता तो था ही नहीं। और 10,000 साल पहले से आखिरी हिमयुग, 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़ गए थे। किधर? दक्षिण की तरफ चले गए। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति, यहाँ पर लिखा जाता है कि अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर है, एक तीर की नोक है, 11,000 साल पुरानी है। कितना? 11,000 साल पुरानी। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज्यादा स्थिरता आई थी, जलवायु में थोड़ा परिवर्तन तो था ही लेकिन एक ज्यादा स्थिरता आई थी, तब आबादी बढ़नी शुरू हुई थी। क्योंकि जलवायु ठीक रहेगा, टेम्परेचर सब कंट्रोल में रहेगा तो लोग बच्चा पैदा करने के लिए भी सोचते हैं, नहीं तो नहीं सोच पाते हैं। नहीं सोचने का कारण है क्योंकि आप समझ सकते हो कि सोचेंगे तो हमारा सब खाने पीने कहाँ से आएगा, ये सब देखना रहता है ना जी। नेटिव मूल बासिंदा का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थल में ही पैदा हुआ था। और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए इस्तेमाल होता रहता था, पूरा तरीके से वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे देखिए, यहाँ पर ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा है कि अमेरिका की पूर्व संध्या मतलब क्या? पिछला शाम, यानी जब यूरोपीय लोग, लेकिन ये पिछला शाम इस तरह नहीं बोला जाता है, शायद यहाँ पर जनसंख्या चाहे वहां के मूल निवासियों का यहाँ पर हो पूर्व संध्या, यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया, उससे ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। हर जगह पर अलग अलग प्रकार के बंटवारे, विवाद सब हुआ करते थे। लोग 100 से भी ज्यादा जबाने बोलते थे, मतलब 100 से भी ज्यादा भाषा वहां पर अमेरिका में बोले जाते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे, सब चीज करते थे। और मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और इसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकरार है, इस पर जीने के तरीके का उनका चुनाव भी निर्भर करता है। और सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह, ये यहाँ पर दो शब्द तो है लेकिन आप समझना, सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। जैसे मैं
मछली अनाज, बाग के पेड़ पौधे मांस, ये सब जो नाम मैंने लिया, मछली अनाज बाग के पेड़ पौधे और मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ सबूत, हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहां नहीं, वहां नहीं, कुछ इलाके थे वहां पर नहीं, कुछ संस्कृतियां सहस्त्रविधियों तक कायम रही, मतलब हजारों साल तक कायम रही, और कुछ संस्कृतियां 10-20 साल में, 50 साल में, 100, 200, 300 साल में खत्म हो गई थी। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर वहां पर रहते थे, क्योंकि लोग पहले नदी घाटी के करीब में ही रहते थे, उनको सहूलियत होती थी। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घुसते थे और उस भैंसों को मार के ये लोग खा जाते थे। यह 17वीं सदी से आसान हो गया था जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी थी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, स्पेन से आने वाले जितने भी आबादकारी थे उनसे खरीदते थे, व्यापारियों से, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते भी थे, जितना खरीदेंगे उतना मारेंगे भी, और जित सॉरी यहाँ पर बात आ जाती है इसलिए कि लेकिन वे उतने ही जानवर मारते हैं जितने कि उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। भोजन के लिए जितना जरूरत होता था उतना ही मारेंगे, खाएंगे, काम चल जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि जानवर हत्या पाप है, नहीं पाप है, सब ठीक है, लेकिन जरूरत के हिसाब से काटो तो ठीक है, इस तरह काटोगे तो ये बहुत बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की, और चूंकि वे अपने आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया था। दक्षिणी अमेरिका के तरह वहां पर राजशाही साम्राज्य का विकास नहीं कर पाए। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें यहाँ पर मिलती है, कबीलों में ही झगड़ा होता रहा, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था, केवल सामान के लिए, गाय भैंस के लिए लड़ते थे, जमीन के लिए नहीं लड़ते थे। वे जमीन पर अपनी मालकियत की कोई जरूरत महसूस ही नहीं किया करते थे, बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। जमीन के मुद्दे से उनको कोई लेना देना नहीं था, जो भी खाने के लिए मिल जाए बस उसी से मतलब रखते थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध, सब चीज से, सब कोई से संबंध और दोस्तियां। कौन सा विशेषताएं थी? औपचारिक संबंध हर किसी से और दोस्तियां कायम करना, दोस्त बनाना, उपहारों का आदान प्रदान करना, चीजें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी, जो भी खरीदना था वो सब चीजें उपहार के रूप में मिल जाता था। उपहार का मतलब ही था वही उस समय के जमाने में। ये समझ लो सामने जो प्लस 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 दिख रहा है, ये रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई बनाई जाने वाले बे सॉरी वेम्पुम वेम्पुम वेल्ट, थोड़ा नाम अजीब है, वेम्पुम वेल्ट, किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इलाका आदान प्रदान होता था, केवल आदान प्रदान करने के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं होता था। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। दक्षिणी अमेरिका में भी वही हाल था, ऐसा नहीं है, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी, बोली तो जाती थी लिखी नहीं जाती थी, और उनका विश्वास था कि समय की गति चक्र है, समय की गति चक्र है, और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े पहनते थे, कुशल कारीगर थे और खूबसूरत खूबसूरत कपड़े भी पहनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, अरे तेरी के, वे धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरीके से समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजों को समझ सकते हैं, वैसे ही वो लोग हर प्रकृति की आपदा को समझ लेते थे बिना घबराए बिना डरे। देखो यहाँ पर यूरोप वासियों से मुकाबला यहाँ पर करते हुए एक महिला यहाँ पर
नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए अंग्रेजी में कुछ यहाँ पर प्रयुक्त पद है जो आपको किसी भी रूप से काम नहीं आने वाला है, जिसको छोड़ देते हैं। तो मूल निवासियों के नाम ऐसी चीजों जो दिए गए जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था, और डकोटा हवाई जहाज चरोकी जीप, चरोकी को जीप बोलते थे, और पोंटियाक को कार बोला जाता है, ठीक है। मोहाक को बाल कटाई। याद रखना कि उधर के लोग क्या बोलते हैं, हवाई जहाज को डकोटा, जीप को चिरोकी, कार को पोटियाक, जीप नाम है पोटियाक, पोटिया मछली समझ लेते हैं क्या, बाल कटाई को मोहॉक के नाम से वो लोग जानते थे। देखो ये उधर की महिला है कितना स्मार्ट दिख रही है ना। फर्स्ट नेशन पीपल मूल निवासियों के संगठित समूह जिसने कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की थी। 1876 के इंडियंस एक्ट में वेस्ट पद का इस्तेमाल जो था, सॉरी बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक से नेशनल शब्द प्रयुक्त होने लगा था। और ठीक नीचे यहाँ पर कुछ थोड़ा प्रस्तर दिया गया है, तो प्रस्तर की पट्टी पर यह खुद था कि होपी, होपी मतलब होपी का कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी, जो कैलिफोर्निया के निकट रहते थे उनको होपी बोला जा रहा है। यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में पाए गए, ठीक है। वे इंसान होंगे पर कछुए के रूप में पाएंगे आएंगे कछुए के रूप में आएंगे, इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हो गए थे। और वे सुबह सुबह उठ गए, सुबह सुबह सब उठ गए, और उन्होंने सूर्योदय देखा, सूर्य को प्रणाम किया, उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई, और उन्हें बख्तरबंद एस्पेनी कॉन्क्विस्टा वो दिखाई पड़ते हैं उधर, जो धरती के उस ओर से, उस छोर से आते कछुओं की तरीके से दिखाई दे रहे थे। सो उन्होंने समझ लिया कि वही है जिनका इंतजार था, इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेन ने उनके हाथ को कोई सस्ती सी चीज समझ ली, सस्ती सी चीज पकड़ा दी। समझ लो कि भैया पहले हाथ तो नहीं देना चाहिए, सीधा बात है कि तुमको जरूरत है तो पूरा करवाओ, नहीं जरूरत है तो बाहर में जाओ, सीधा बात है। और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, क्योंकि उन्होंने हाथ छोड़ दिया। शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीजों को पवित्रता को भूल गए, यहाँ पर देखो सभी चीजों की पवित्रता को भुला दिया है, और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफी कष्ट पाने वाले हैं। भाई बहन ने सोच लिया, बोल दिया कि धरती पर अब कष्ट आने वाला है, खास करके अमेरिका वाले लोगों के लिए। ली ब्राउन की एक वार्ता से 1886 में लिखा गया था, लेकिन ये सब उसमें लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 17वीं सदी में 2 महीने के गठित समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वह एक ऐसे स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा हुआ है, ये मानकर वहां पर रुके और उनसे मुलाकात भी किया, और दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां की सोने की जो प्रचुरता थी, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में सोना था, तो सोना की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, और ये लोग मछली और रोएदार खाले की व्यापार के लिए आए थे। मछली और रोएदार खाल चाहिए था इनको, बस यही व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। उधर के जितने भी लोग थे मदद किए कि भैया मदद करते हैं, तुम मेरा भी कुछ काम कर देना, खुशी खुशी, लेकिन बाद में नहीं समझे कि वो जो मदद मांगने आया था वो गद्दार था। थोरा और दक्षिण में, ठीक है, तो मिसिसिपी
मिसिसिपी के किनारे किनारे नदी है कोई, तो उसके किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। क्या होते थे? वहां पर जमा होते थे। इसका मकसद था कि ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान किया जाता था जो खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादन के बदले में यूरोपीय लोग वहां बासिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन जैसे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे। जो भी हो, मिट्टी के पात्रों की जगह पर वो सब इस्तेमाल कर लेते थे, लोहा का, कुछ भी, जो भी खाने के लिए हो, बंदूकें जो जानवरों को मारने में काम आती थी। हाँ, बंदूकें जो जानवरों को मारने में काम आती थी, लेकिन यहाँ पर लिखा है जो जानवरों को मारने में तीर धनुष के अच्छी पूरक साबित हुई, मतलब तीर धनुष के जगह पर बहुत बढ़िया हथियार मिला जिसको नाम है बंदूक। ठीक है। शराब देते थे। क्या देते थे? शराब। वहां के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था, क्योंकि उधर के लोग शराब पीते नहीं थे, लेकिन यूरोप वाले जाकर सब वहां पर चाय वो सब पिला दिए, शराब सब पिला दिए, कॉफी भी पिला दिए। वो जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए थे। अब जल्दी जल्दी पियोगे तो आदत तो लग ही जाएगा, आपको भर भर के दे रहा दिया जा रहा था, पियोगे करोगे, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्त थोपने के सक्षम बना दिया कि भैया हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, हमारा ये शर्त है, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, मंजूर है तो बोलो। ऐ ये लोग तो पियला में कुछ वो बोले, ऐसा सब सही है, चलो चलो काम करो, ऐसे बोलकर चालू कर दिया गया। सब चीज यहाँ पर अंधाधुन होने लगा था। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू खाने की आदत को सीखा, तंबाकू खाने की आदत को ग्रहण किया, फिर उसी तंबाकू को बेचा भी, जिसको गुटखा के नाम से जाना जाता है अपने इलाके में, खैनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं बता दूं, गुटखा कोई खराब शब्द नहीं है। पॉकेट बुक को गुटखा के नाम से बोला जाता है। आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको ये सब इधर उधर से ना सीखने को मिल जाएगा, लेकिन बात साफ है, सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है साफ साफ कि पॉकेट पॉकेट में रखने वाले किताब को गुटखा के नाम से अलंकृत किया गया था। और यहाँ पर देख लो, क्यूबेक और अमेरिका उपनिवेश, फिर उसके बाद से इधर परंपराई धारणाएं तो यही चालू हो जाएगा, क्योंकि परंपरा के अलावा तो कुछ दूसरा तो है नहीं। तो यहाँ पर पारस्परिक धारणाएं भी यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा। तो देखो, 1497 में जॉन कैब्रोट न्यू फाउंडेशन पहुंचा, और अमेरिका में 1507 अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित वहां पर हुआ था, जो उसने लिखा था अपने अनुभव से, तो सब प्रकाशित हुआ। 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से मिला। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूब्रेक उपनिवेश की खोज की थी, और 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की जो अमेरिका में है। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने पाइमाउथ मेसाचुसेट्स में वहां पर खोज की थी, पाइमाउथ की खोज की। ठीक है। खोज क्या मतलब, वहां पर गए तो उसका नाम रख दिया खोज, उसके इनके बाप के दम में है क्या कि खोज कर दें किसी चीज का? अरे जो भुलाता है उसका खोज किया जाता है। नाम उन लोगों के पास नहीं था, ये नाम दे दिया तो खोज थोड़े हो गया, ये अपने लिए खोज की है ना। पारस्परिक धारणाएं, हम इसको अगले भाग में ले चलेंगे, भाग दो में। ठीक है। आपको जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर लॉन्ग जाता हो, ध्यान से केवल सुनो, सो जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, हेडफोन लगाओ, ब्लूटूथ लगाओ, बक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, कान के लगे रखो, बस सो जाओ, केवल सुनते रहना, सुनते सुनते याद हो जाएगा हर बात, तो हर बात याद कर लोगे आसानी से। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।